इटली का शहर रोम, जो रोमन एम्पायर की शानो शौकत की झलक दिखाता है, उसके ऐन वस्त में 1950 साल कदीम स्ट्रक्चर इंतहाई मकबूल है। ना कोई बंद इमारत, ना कमरे, ना कोई कॉम्प्लेक्स, सिर्फ एक बड़ी ऊंची वसी चार दीवारी, अंदर दर्जा बदर्जा सीढ़ियों जैसे चबूतरे, कुछ सायादार और कुछ खुले, एक मरकजी दायरा जिसमें दीवारों की भूलभुलैया जैसी तामीर। कुल मिलाकर यह है कदीम अतालवी थिएटर। लेकिन यह सिर्फ इतना ही नहीं है, कुछ ऐसा भी है जिसके लिए हर एक साल के दौरान 40 लाख लोग दुनिया भर से रोम आते हैं। इतनी बड़ी तादाद में टूरिस्ट क्यों इस एक साइट को विजिट करते हैं, क्यों ये इटली की इंतहाई मकबूल टूरिस्ट अट्रैक्शंस में से एक है, यही आपको पता चलेगा इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले जिन्होंने अभी तक नहीं किया उनसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। रोम का ये थिएटर सैकड़ों साल पुराना तफरीही मकाम है, एक ऐसा स्टेडियम जो उस जमाने में खेल तमाशों, त्योहारों, लड़ाई के मुकाबलों के लिए इस्तेमाल होता था। इसे एक तरह की तमाशागाह कह सकते हैं, लेकिन ये इतना सादा सा थिएटर नहीं था जिसे तारीख में फरामोश कर दिया जाता। यहाँ तक कि इस खंडरनुमा ढांचे को भी नजरअंदाज करना मुश्किल था। तामीर इतनी पेचीदा, नक्शो नगार इतने जूमानी कि आसारे कदीमा के माहिरीन के अलावा आम आदमी भी देखकर दिलचस्पी महसूस करे। ये इमारत, जिसे इमारत की बजाय एक खुली तमाशागाह या ओपन थिएटर कहना ज्यादा मुनासिब है, ये सजाओं पर अमल दरामद कराने के लिए भी इस्तेमाल होती थी, जानवरों के शिकार के लिए, अतालवी ड्रामों की नुमाइश के लिए भी। बाद में बदलते वक्त ने इस इमारत की किस्मत भी बदली। ये कभी रिहायशी मकानात के तौर पर इस्तेमाल हुई, कभी काम करने के लिए वर्कशॉप के तौर पर, कभी सरकारी क्वार्टर्स और कभी फौजी कले के तौर पर। यहाँ तक कि ये एक ईसाई मजार के तौर पर भी पहचान रखती है। कहावत है कि बादशाहों को गरीब होते होते भी कई साल लगते हैं। ऐसे ही कुछ कदीम इमारतें ऐसी हैं जिनके खंडरात आज न होते हुए भी बहुत कुछ है। जलजलों और मौसमी असरात के साथ साथ पत्थर चुराने वालों को झेलने के बावजूद ये खंडरनुमा थिएटर देखे जाने के काबिल है और दुनिया के बड़े अजायबात की फहरिस्त में इसे शामिल किया जा चुका है। कदीम रोमी इमारतों की बजाय ये अलग तर्ज तामीर का हामिल है। 615 फीट लंबा, 510 फीट चौड़ा ये थिएटर अंडे की शक्ल का है, जो 24,000 मुरबा मीटर यानी 6 एकड़ जगह घेरता है। बैरूनी दीवार की ऊंचाई 157 फीट है। मरकजी दायरा जो नीचे दरमियान में है वो 287 फीट लंबा और 180 फीट चौड़ा है। उसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप बैठने के लिए चबूतरे से बने हुए हैं। ये थिएटर कमोबेश 70,000 अफराद की गुंजाइश रखता है। आजकल के स्टेडियम की तरह उस वक्त भी ये मसला था कि इतनी बड़ी तादाद में लोग अंदर आएंगे, दरवाजे पे रश लग जाएगा और इसी तरह बाहर निकलते वक्त भी होगा, और किसी हादसे की सूरत में लोगों का जल्दी बाहर निकलना मुमकिन नहीं होगा। इस मसले का हल 1900 साल पुराने इंजीनियर ने भी उसी तरह निकाला जिस तरह आज इसका सदेबाव किया जाता है। उन्होंने रोम के इस बड़े थिएटर के कुल 80 दरवाजे बनाए ताकि हर दरवाजे से थोड़े थोड़े लोग अंदर आए और जल्दी से 70,000 लोगों का दाखिला मुमकिन हो। इसी तरह किसी अफरा तफरी की सूरत में हर कोई करीबी दरवाजे से फौरन बाहर निकल जाए और सारा हजूम मिनटों में खत्म हो जाए। इन 80 दरवाजों में से 76 दरवाजे आम रोमन लोगों के लिए खोले जाते थे, जबकि शुमाल की जानिब का बड़ा खास दरवाजा सिर्फ बादशाह सलामत यानी रोमन एम्परर के लिए मखसूस था। बाकी बचे 3 दरवाजे तो वो बादशाह के खास खास करीबी लोगों यानी उस दौर की अशराफिया के लिए खोले जाते थे। आम लोग इन दरवाजों से नहीं गुजर सकते थे। इन 4 दरवाजों को खास तौर से सजाया गया था। इन तमाम दरवाजों पर रोमन गिनती में नंबर लिखे हुए थे जो आज भी पढ़े जा सकते हैं। वक्त के साथ साथ थिएटर का जो हिस्सा तबाह हो गया है उनमें से कई सारे दरवाजे भी गायब हैं, लेकिन दरवाजा नंबर 23 से लेकर दरवाजा नंबर 54 तक अभी सही सलामत मौजूद हैं। थिएटर का ये बंदोबस्त उस दौर में भी बड़ा मुनज्जम था। अंदर आने वाले तमाशबीनों को दरवाजे पर टिकट दिया जाता था और उस दौर का टिकट एक खास तरह का मिट्टी का बर्तन होता था जिसपे नंबर लिखा होता था। इससे आने वाले को पता चलता था कि उसने किस तरफ से जाकर किस कतार में किस नंबर की कुर्सी यानी बैठने की मखसूस जगह पर बैठना है। दरवाजों की तरह सीढ़ियों और बैठने की जगहों पर भी नंबर लिखे होते थे। इस शानदार तामीरी शक्ल और बंदोबस्त की वजह से 70,000 के करीब लोग चंद ही मिनटों में थिएटर के अंदर जाकर अपनी अपनी सीट पर बैठ चुके होते थे और प्रोग्राम खत्म होने के बाद या फिर किसी इमरजेंसी की सूरत में चंद मिनटों में सारे के सारे लोग थिएटर से बाहर निकल चुके होते थे। बैरूनी दीवार के ऊपरी हिस्से में अब एक म्यूजियम बना दिया गया है और दीवारों के नीचे जो अंडरग्राउंड रास्ते हैं, जो कभी थिएटर में लाए जाने वाले जंगली जानवरों और ग्लैडिएटर्स के लिए इस्तेमाल होते थे, अब वो आम लोगों के लिए खोल दिए गए हैं। टूरिस्ट अब इन तमाम जगहों की सैर कर सकते हैं। रोमन फोरम और थिएटर, ये दो अलग अलग टूरिस्ट साइट हैं और दोनों के सैर तफरी के औकात भी मुख्तलिफ हैं, लेकिन आप एक ही टिकट पर दोनों की सैर कर सकते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। थिएटर और फोरम की टिकट एक ही होती है जिसे आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। coopculture.it ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आपको टिकट खरीदना होगा। दूसरी बहुत सी वेबसाइट्स भी टिकट बेच रही हैं, लेकिन वो अपना मुनाफा लेकर आपको ज्यादा कीमत में टिकट फरोख्त करती है।
हैं। अब इसके लिए टिकट दो तरह के हैं, एक ओपन टिकट होता है, अगर आप वो खरीदेंगे तो आप दोपहर 2 बजे के बाद यानी 2 PM के बाद अंदर दाखिल हो सकते हैं, उससे पहले नहीं। लेकिन ये पाबंदी सिर्फ थिएटर के लिए है, उसी टिकट पर आप फोरम का विजिट किसी भी वक्त कर सकते हैं। दूसरी तरह का टिकट है टाइम्ड एंट्री टिकट, इसमें आप अपनी मर्जी के वक्त का इंतखाब कर सकते हैं, आपको सिर्फ बुक किए हुए वक्त पे आना है और रेगुलर लाइन में लगे बगैर फास्ट ट्रैक लाइन से होते हुए टूर करके मुकर्रर वक्त पे बाहर निकल जाना है। इस टिकट में बच्चे शामिल नहीं होंगे, अगर आपके साथ बच्चे हैं तो उनके लिए रेगुलर लाइन में लगना पड़ेगा, जहां से बच्चों के फ्री टिकट्स हासिल करना पड़ेंगे और फिर आप सिक्योरिटी से होते हुए अंदर जा सकेंगे। अगर आप टाइम्ड एंट्री टिकट लेते हैं और फिर टिकट वाले डेस्क की लाइन में नहीं लगना चाहते तो उसके लिए एक सादा सा तरीका है कि आप बच्चों के लिए भी एडल्ट टिकट खरीद लें। आपको अगर जरा प्रोटोकॉल चाहिए तो आप स्टर्न एंट्री ले सकते हैं, उसकी शर्त यह है कि आप थिएटर के लाइसेंस याफ्ता टूर गाइड के साथ अंदर आए, क्योंकि आम सयाहों के लिए इस तरह का दाखिला मना है। ये सिर्फ गाइडेड टूर्स या फिर टूर ग्रुप्स के लिए मखसूस है। इसमें आपको 20 मिनट के टाइम के लिए एरिना फ्लोर तक डायरेक्ट एक्सेस मिलेगी, यानी आप जाते ही सीधा एरिना फ्लोर में जाएंगे और 20 मिनट की सैर के बाद वापस आ जाएंगे। बाहर से नजर आने वाले ढांचे के अलावा इस थिएटर की कुछ छुपी हुई चीजें भी हैं जिनके हवाले से टूरिस्टों को रागब किया जाता है। मसलन, ये बात मशहूर है कि थिएटर का टूर करने का फायदा नहीं अगर आपने VIP अंडरग्राउंड और ऊपर की मंजिलें नहीं देखी। अब जब आप ये देखना चाहते हैं तो आपको पता चलता है कि ये हिस्से थिएटर के टिकट के अलावा अलग से टिकट खरीद कर देखने पड़ेंगे। इसके साथ साथ इन हिस्सों की अवेलेबिलिटी बहुत कम है। असल में ये दोनों हिस्से उन टूर पैकेजेस में शामिल हैं जो इटली में टूर ऑपरेटिंग करने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां ऑफर करती हैं, इसलिए आम सयाहों को उनके टिकट बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। इसलिए मजबूरन आपको VIP अंडरग्राउंड और अपर लेवल्स की सैर के लिए किसी टूर ऑपरेटर से रब्ता करना पड़ता है और फिर वहां से टूर बुक करके उनके रेफरेंस से आपको ये तमाम हिस्से देखने को मिलेंगे। अब ये सारे काम करने के बाद अगर आप पूरी तैयारी से थिएटर पहुंच जाते हैं तो भी आपको इंतजार के लिए रुकना पड़ सकता है। उसकी वजह यह है कि थिएटर में मजमूई तौर पे एक वक्त में 3,000 लोग ही अंदर जा सकते हैं और क्योंकि ये दुनिया की मशहूर तरीन टूरिस्ट अट्रैक्शंस में से एक है, इसलिए ये अक्सर लिमिट क्रॉस कर जाता है और बाकी लोगों को टिकट लेने के बाद भी अपनी बारी का इंतजार करना पड़ जाता है। एक और बात जहन में रखने की है कि आपके पास नॉर्मल टिकट हो, टाइम्ड एंट्री टिकट हो या फिर कोई भी स्पेशल एंट्री टिकट, आपको सिक्योरिटी की लाइन में लगना ही पड़ेगा। लिहाजा टूर प्लान करते वक्त ये अंदाजा लगा लें कि आपका कुछ वक्त सिक्योरिटी क्लियरेंस में भी लगेगा और कुछ बच्चों के फ्री टिकट्स की लाइन में या फिर थिएटर फुल होने की सूरत में अपनी बारी का इंतजार करते हुए वक्त जाया होगा। अब एक खुशखबरी है, अगर आप फ्री टूर करना चाहते हैं, बगैर टिकट के थिएटर का टूर करना है तो हर महीने के पहले इतवार को फ्री एंट्री होती है, जिसका मतलब ये है कि आप फी आदमी 12 यूरोज की बचत कर सकते हैं। लेकिन अगर सुकून से बेहतरीन टूर का लुत्फ लेना है तो बेहतर होगा कि फ्री संडेज के अलावा जाएं, क्योंकि उनमें बेतहाशा रश होता है। हर आदमी अपने मिजाज के मुताबिक ज्यादा या कम वक्त में थिएटर की पूरी तरह सैर कर लेता है। कुछ लोग जल्दी देखकर बाहर आ जाते हैं और कुछ लोगों का घंटों गुजारने के बाद भी दिल नहीं भरता। लेकिन अगर आप टूर प्लान करें तो उसमें स्टैंडर्ड टाइम 2 से 3 घंटे का रखें इस थिएटर की सैर के लिए। प्लानिंग और बुकिंग जैसी चीजों से अगर आप जान छुड़ाना चाहते हैं तो किसी भी अच्छी कंपनी से टूर बुक कर लें। आपके टिकट्स की बुकिंग और टाइमिंग वगैरह का सारा बंदोबस्त कंपनी के जिम्मा होगा, आपको सिर्फ सैर करनी है और यादगार तस्वीरें बनानी है और जाहिर है टूर ऑपरेटर की फीस अदा करनी है। इस वीडियो को लाइक और सोशल मीडिया पे शेयर कर दीजिए और अगर आपको ट्रैवलिंग और टूरिज्म का शौक है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए ताकि मेरी इस तरह की सारी वीडियोस सबसे पहले आपको मिले।